दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2024 के तीन महीने में ही 2023 के पूरे साल के मुकाबले ज्यादा गोल्ड खरीदा गया है। इसके अलावा RBI का इसके पीछे क्या कुछ मास्टर प्लान है, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि भारत के गोल्ड रिजर्व ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जानेंगे पूरी डिटेल को इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अकॉर्डिंग टू यू विच इंडियन वेपन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन फ्यूचर। ऑप्शन है ब्रह्मोस 2, काली वेपन, एमका या फिर अग्नि 6 मिसाइल। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार दुनिया में सबसे तेजी से सोना खरीद रहा है। केवल बैंक ही नहीं बल्कि भारतीय लोग भी लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल एक और जहां दुनिया भर में लगातार गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत यानी कि भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय लोगों द्वारा सोना खरीदे जा रहे हैं। इसके पीछे का इंटरेस्टिंग कारण आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2024 के शुरुआती तीन महीने यानी कि शुरुआती तिमाही में इतना सोना खरीद लिया है कि साल 2023 के पूरे वर्ष में इतना सोना बैंक द्वारा नहीं खरीदा गया था। आंकड़ों में देखें तो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2023 में 16 टन सोना खरीदा था, लेकिन 2024 के शुरुआती तीन महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 19 टन सोना खरीदा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि साल 2023 के पूरे 12 महीने के मुकाबले 2024 के शुरुआती तीन महीने में भारत ने 3 टन ज्यादा सोना खरीदा है। काउंसिल की नई रिपोर्ट के मुताबिक केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि भारतीय लोगों के बीच भी सोने की खरीदारी काफी तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। भारतीय लोगों के बीच में सोने की खरीदारी में 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक और दुनिया भर में लगातार सोने की कीमत में उछाल देखा गया है, लेकिन भारत में इसकी डिमांड फिर भी अधिक बढ़ी है। दोस्तों साल 2024 के शुरुआती तीन महीने में भारतीय लोगों ने 136.6 टन सोना खरीदा है। अगर 2023 के मुकाबले देखें तो 2023 के पहले तिमाही यानी कि शुरुआती तीन महीने में भारतीय लोगों ने 126.3 टन सोना खरीदा था, यानी कि एक बड़ी उछाल यहां दर्ज की गई। बता दें कि अब तक भारतीय लोगों द्वारा सोने की डिमांड 20% तक बढ़ी है। पिछले साल 63,090 करोड़ का सोना भारत की तरफ से डिमांड किया गया था और इस साल ये 75,470 करोड़ तक जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जो 136.6 टन सोना भारतीयों ने शुरुआती तीन महीनों में खरीदा है, उसमें से 95.5% ज्वेलरी है, यानी कि अंगूठी, चेन या गले के हार आदि शामिल है। इसमें भी 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल कुल सोने की डिमांड में से 91.9 टन सोना ज्वेलरी की डिमांड में था। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिमांड भी 19% तक बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड वह होती है जैसे बार, कॉइन आदि। भारतीय लोगों द्वारा 41.5 टन इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है, जो पिछले साल शुरुआती तीन महीनों में 34.4 टन थी। अब दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में आपको बता दें तो ये एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन ये दुनिया भर में देशों के द्वारा खरीदे जा रहे सोने और दुनिया भर में लोगों द्वारा सोने की चीजों को लेकर रिपोर्ट जारी करता रहता है। इसका हेडक्वार्टर UK के लंदन में मौजूद है। आपको बता दें कि साल 2023 में कुल भारत ने 747.5 टन सोने की डिमांड की थी। अनुमान है कि साल 2024 में ये कुल 800 टन तक जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती तीन महीनों में ही देखी गई है। वहीं पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया भर में सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इसकी डिमांड बढ़ी हो। उनका कहना है कि पहले जब सोने के दाम दुनिया में बढ़ते थे तब वेस्टर्न कंट्रीज इसे खरीद लेते थे, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश शामिल होते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया भर में बढ़ रहे सोने के दाम के बाद भी ईस्ट के देशों में यानी कि भारत और चीन में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। भारत ने जनवरी के महीने में 9 टन, फरवरी में 4.5
5 टन और मार्च में 5.3 टन सोना भारत की RBI के द्वारा खरीदा गया। बता दें कि इतिहास में RBI के द्वारा 2021 में सबसे अधिक सोना खरीदा गया था और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में ये सभी आंकड़े टूट जाएंगे। बता दें कि दुनिया में सोने की कीमत बढ़ रही है। 2023 में सोने की कीमत 63,000 थी और ये 2024 के शुरुआत में ये कीमत 72,000 से 74,000 तक चली गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इतना सारा सोना भारत के द्वारा क्यों खरीदा जा रहा है। आपको बता दें RBI के पास इस वक्त 822 टन गोल्ड का रिजर्व है। दुनिया भर में भारत 8वें नंबर पर आता है और उम्मीद है कि भारत जल्द ही इस मामले में 7वें स्थान पर आ जाएगा। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर RBI ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल आपको बता दें इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व डाइवर्सिटी है, इसी के चलते RBI ऐसा करना चाहता है। इसके अलावा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस है और लगातार दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि कई जगह हो रहे युद्ध और इसी के चलते करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए RBI का ये प्लान है। आसान भाषा में समझे तो दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के चलते अगर कल को भारत के बाजार कमजोर होता है या फिर भारत का रुपया और भी ज्यादा कमजोर होता है, गोल्ड की मदद से भारत वापस से मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि RBI के द्वारा लगातार गोल्ड की रिजर्व को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों RBI की इस योजना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।